नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश के सियासी और सामाजिक हालातों को रेखांकित करने वाली दो खबरों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये दोनों खबरें मुख्य धारा की मीडिया से गायब रह सकती हैं, लेकिन ये वो खबरें हैं जिनके बारे में जानना और समझना हमारे और आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये वो खबरें हैं, ये वो घटनाएँ हैं जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर पेश कर रही हैं, उत्तर प्रदेश की बेचैनी के बारे में बता रही हैं, उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत के बारे में बता रही है। इस वीडियो में आखिर में मैं आपको शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई एक जरूरी अपडेट भी दूंगा, इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला, और आज की सबसे बड़ी खबर और पहली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से। योगी सरकार ने 4 साल पूरा होने का जश्न मनाते हुए दावा किया है कि उसने प्रदेश में राम राज्य का सपना पूरा करेगा। जश्न के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जरिए योगी सरकार के राम राज्य का सपना राम राज का पूरा कर दिखलाए योगी जी। सपना राम राज राम राज लाने के दावे और जश्न के 24 घंटे के भीतर ही महिलाओं ने अपने खिलाफ हो रहे अपराध को लेकर आवाज बुलंद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं ने आज प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की लगातार घटनाओं के साथ घरेलू महिला हिंसा, लैंगिक भेदभाव और यौन उत्पीड़न के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। ये महिलाएं राजा तालाब बाजार से नारे लगाती हुई तहसील तक पहुंची, सड़क पर उतरी। इन महिलाओं ने अपने हकों को लेकर राजा तालाब तहसील का घेराव किया। कार्यक्रम का आयोजन महिला चेतना समिति, लोक समिति, बिहारी मजदूर संगठन और आशा ट्रस्ट ने किया था। महिलाओं के इस सम्मेलन में आरावी लाइन और सेवापुरी ब्लॉक के करीब 70 गांव से महिलाएं शामिल थीं। इनकी संख्या को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रदेश में महिलाओं को आज सिस्टम से कितनी नाराज़गी है। महिलाओं ने अपने हाथों में छेड़खानी, बलात्कार, महिला हिंसा, बाल विवाह और शराब के खिलाफ तख्ती और बैनर थाम रखी है। महिला हिंसा बंद करो, छेड़खानी पर रोक लगाओ, और क्या कह रही हैं ये महिलाएँ, आप खुद सुन सकते हैं इसको। भेदभाव मिटाएंगे और नया समाज बनाएंगे जैसे नारे लगाते हुए इन महिलाओं ने तहसील का घेराव किया। इन महिलाओं का कहना है कि शराब की वजह से महिलाओं के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ रही है। ये शराब के कारोबार पर तत्काल रोक लगाने की मांग कर रही हैं। वाराणसी के डाक बंगला मैदान में इन्होंने महासम्मेलन किया। महिलाओं ने इस मौके पर अपने खिलाफ हो रही हिंसा को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया। गाँव की महिलाओं ने गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भी महिला अधिकारों की मांग को प्रदेश की योगी सरकार के सामने रखा। इनका कहना है कि आए दिन लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़खानी, हिंसा और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। ये उत्पीड़न सह रही हैं, लेकिन अब इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं। महिला बहनों को मैं जिंदाबाद कहती हूँ जो यहाँ पे इकट्ठा हुई है, खासतौर से सेवापुरी और ब्लॉक के गाँव में। ये कार्यक्रम एक संदेश देने के लिए किया गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्तिगत तौर पर लोगों को पता नहीं होता। तो जब बड़े सभा में हम लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो कुछ कुछ नए रास्ते हमको मिलते हैं। और आज जो महिलाओं के साथ हो रही हिंसा, महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो महिलाओं के साथ असमानता है, उन मुद्दों पर विशेष रूप से सब लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और अभी हमारी कुछ बहनें हैं जिनके साथ कुछ घटना घटी है, वो बहनें अपने अनुभव को शेयर कर रही हैं, किस तरीके से संघर्ष करके वो लड़ाई लड़ करके आगे आ रही हैं, वो दूसरे बहनों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चियां यहाँ पे एकत्र हुई हैं, और आशा जी का हम लोगों ने भी उदाहरण सुना, तो मैं यहाँ से सिर्फ ये संदेश देना चाहती हूँ कि देखिए, शासन की और प्रशासन की बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं, लेकिन वो योजनाएँ तभी फलीभूत हो सकती हैं कि जब हम शिक्षित हों, जागरूक हों और आगे बढ़ के जो हमारे अधिकार हैं उसको लेने के लिए हम खुद आगे आएँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम हमारे खिलाफ जो चीज़ें गलत होती हैं उसका आवाज़ ही नहीं उठाते।
इनकी मांग है कि सरकार को महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी ही होगी। महिला सम्मेलन के माध्यम से और अब दूसरी खबर सीतापुर से है जो हमारे आपके लिए एक बड़ा संदेश लेकर आई है, और यह संदेश ये है कि अगर हमारी आपकी शिकायत पर पुलिस समय से कार्रवाई नहीं करती है तो हमारे आपके ऊपर क्या गुजरती है, उन लड़कियों के ऊपर क्या गुजरती है जिनके शिकायतों पर पुलिस समय से कार्रवाई नहीं करती है, किसी तरह का हिला हवाली करती है। तो ये घटना इसी बात का सबूत है। इस पूरे मामले में सीतापुर का ये मामला है, और सीतापुर के इस पूरे मामले में 8वीं कक्षा की एक छात्रा ने जो 14 साल की है लगभग, वो अपने स्कूटी से घर लौट रही थी स्कूल के बाद। रास्ते में एक युवक ने उसको रोका, उसके साथ छेड़खानी की। लड़की ने आकर अपने परिवार को ये कहानी बताई। लड़की के परिवार वाले पुलिस थाने में गए, उन्होंने मामला दर्ज कराया, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने शुरुआती जाँच पड़ताल की, दोनों पक्षों से बात की, लेकिन आखिर में मामला ये हुआ कि लड़की वालों के परिवार को पुलिस समझाने लगी, समाज का भय दिखाने लगी, कानूनी लड़ाई का डर दिखाने लगी, और इसकी वजह से परिवार वालों में, पीड़ित के परिवार वालों में निराशा हो गई। और लड़की के ऊपर क्या बीती जिसकी वजह से लड़की ने कल देर रात ये घटना, लड़की के साथ छेड़खानी की घटना 17 मार्च को हुई थी, और लेकिन 19 मार्च की रात में, देर रात में इस लड़की ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद पुलिस का क्या कहना है जरा सुन लीजिए आप भी। थाना अध्यक्ष मिलिया सुल्तानपुर द्वारा इस आशय की सूचना दी गई कि उनके थाना क्षेत्र अंतर्गत के गांव में एक लगभग 15 वर्षीय बालिका द्वारा अपने घर के अंदर फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना का त्वरित संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष मिलिया सुल्तानपुर द्वारा मौके पर पहुँच करके जब घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि गांव के ही एक लगभग 17 वर्षीय लड़के द्वारा छेड़खानी किए जाने के से आहत होकर के इसने फांसी लगाई है। अभियुक्त जो है आरोपी, उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल नियोजित है। कानून और शांत व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। आम तौर पर ऐसे मामले जब होते हैं तो पुलिस कहती है कि हमने तात्काल कार्रवाई की, जबकि हकीकत यह है कि ऐसे पूरे मामले में शुरुआती दौर पर लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जाती है, और पुलिस की यही कोशिश कई लोगों पर नागवार गुजरती है, कई जिंदगियों पर भारी पड़ती है, और सीतापुर की ये घटना यही बताती है। और इसीलिए ये खबर जरूरी समझता हूँ मैं कि हमको, आपको और सबके लिए, पुलिस वालों के लिए भी एक सबक है। सीतापुर वाले ने तो ये देख लिया, लेकिन पूरे प्रदेश में जो पुलिस के सामने ऐसे मुकदमे आ रहे हैं, ऐसी शिकायतें आ रही हैं, उसको कैसे काम करना है उसका ये नज़ीर है। और अब आखिर में शिक्षा मित्रों से जुड़ी खबर। योगी सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं, जैसा मैंने बताया, योगी सरकार ने 4 साल पूरे होने का जश्न मनाया। योगी सरकार ने इस मौके पर जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनकी बात की, लेकिन भाषण में या मुख्यमंत्री या किसी और नेता के भाषण में, किसी और मंत्री के भाषण में कहीं से भी ये आश्वासन नहीं आया कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए सरकार कुछ सोच रही है। चूँकि 2019 चुनाव के पहले सरकार ने उनसे वादा किया था कि उनके बारे में विचार होगा, इसके बारे में एक कमेटी बनी थी, उसने उम्मीद जगाई थी शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों में कि उनकी मांगों पर विचार होगा, लेकिन 4 साल पूरे होने के बावजूद जब उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की ओर से होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इससे शिक्षा मित्रों में घोर निराशा है। और इसकी वजह से शिक्षा मित्रों ने, पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने फैसला लिया है, उनके संगठन ने फैसला लिया है कि वो इस बार होली नहीं मनाएंगे, उनकी होली काली होगी। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की होली इस बार काली होगी, वो होली नहीं मनाने जा रहे हैं क्योंकि वो मायूस हैं। एक बयान में कहा है कि शिक्षा मित्रों ने सर्वसम्मति से ये तय किया है कि सरकार की इस वादा खिलाफी के विरोध में वो इस बार होली नहीं मनाने का फैसला कर रहे हैं, वो इस बार होली नहीं मनाएंगे। और सरकार के खिलाफ इस तरह की वादा खिलाफी के विरोध में होली नहीं मनाने का ये फैसला पहला फैसला है। इसके बाद, होली के बाद, ये संगठन अपने स्तर पर बैठक बुलाकर आगे के बारे में फैसला करेगा, आगे की कार्रवाई के बारे में रणनीति बनाएगा, ये कहा है शिक्षा मित्रों के संगठन ने। तो ये है आज का अपडेट शिक्षा मित्रों के बारे में। इसी तरह की खबरों के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा। आपको ये खबर कैसा लगा, आपको हमारा ये
वीडियो कैसा लगा, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय रख सकते हैं। अगर आपने आप में से ढेर सारे लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने ये वीडियो आखिर तक देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।